गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पार्ट दो से माता पिता की सेवा नामक पार्ट से मेल कीजिए तक कंप्लीट किया था। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छह प्रश्नों के उत्तर दीजिए कौन से पार्ट से? माता पिता की सेवा नामक पार्ट से। माता पिता की सेवा नामक पार्ट से हम आपको ये बताएंगे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मेल कीजिए तक हमने बता दिया था। आज हम आपको प्रश्नों के उत्तर दीजिए तक बताएंगे। क्या देखकर, पहला क्वेश्चन है, क्या देखकर श्रवण कुमार को अपने माता पिता को तीर्थ कराने की याद आई? क्वेश्चन है, क्या देखकर श्रवण कुमार को अपने माता पिता को तीर्थ कराने की याद आई? तो पहला जो उत्तर है वो हम लिखेंगे, अपने माता पिता से अपने माता पिता से तीर्थ की बात सुनकर अपने माता पिता से तीर्थ करने की बात सुनकर तीर्थ करने की बात सुनकर अपने माता पिता से तीर्थ करने की बात सुनकर श्रवण को उन्हें तीर्थ यात्रा पर श्रवण को उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने तीर्थ यात्रा पर ले जाने की याद आई, ले जाने की याद आई। अपने माता पिता से तीर्थ करने की बात सुनकर श्रवण को उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने की याद आई। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका पहला आंसर था, अब आप दूसरा देखेंगे। गांव से निकलते समय श्रवण कुमार को देखकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? श्रवण कुमार को देखकर गांव के लोगों की आंखें भर आई और वे मन ही मन श्रवण कुमार को आशीर्वाद दे रहे थे। श्रवण कुमार को देखकर गांव के लोगों की आंखें भर आईं, गांव के लोगों की आंखें भर आईं, गांव के लोगों की आंखें भर आईं और वे मन ही मन श्रवण कुमार को आशीर्वाद दे रहे थे और वे मन ही मन और वे मन ही मन श्रवण कुमार को मन ही मन श्रवण कुमार को आशीर्वाद दे रहे थे और वे मन ही मन श्रवण कुमार को आशीर्वाद दे रहे थे और वे मन ही मन श्रवण कुमार को आशीर्वाद दे रहे थे। श्रवण कुमार को देखकर गांव के लोगों की आंखें भर आईं और वे मन ही मन श्रवण कुमार को आशीर्वाद दे रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई? राजा दशरथ की बाढ़ से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई।
राजा दशरथ के बाढ़ लगने से श्रवण कुमार की बाढ़ लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। राजा दशरथ के बाण लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई? राजा दशरथ के बाण लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। फिर है श्रवण कुमार ने दशरथ से क्या कहा? श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, कृपया करके आप उनको पानी पिला दीजिए। श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, मेरा एक काम कर दे, जाकर उन्हें पानी पिला दे। मेरा एक काम कर दे, जाकर उन्हें पानी पिला दे। श्रवण कुमार ने दशरथ से क्या कहा था? श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा कि मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, मेरा एक काम कर दे, आप जाकर उन्हें पानी पिला दे। लास्ट क्वेश्चन है, श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह से मैं अपने बेटे के वियोग में तड़फ रहा हूँ, वैसे तुम भी एक दिन बेटे के वियोग में तड़पोगे। श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। क्या श्राप दिया था? श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। तो ये आपका पार्ट दो का प्रश्नों के उत्तर दीजिए था, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप पूरा कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर दीजिए और शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है। तो इस तरीके से पार्ट दो माता पिता की सेवा नामक पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। पार्ट दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप पूरा कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी में सिर्फ शब्दार्थ रहेगा और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बाकी सारी चीजें आप बुक में भरेंगे, बाकी सारी चीजें आपको नहीं लिखना है।